नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं योनो एसबीआई से बिजली का बिल कैसे भरेंगे। दोस्तों, अगर आप योनो एसबीआई यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं योनो एसबीआई के थ्रू आप बिजली बिल का पेमेंट करना, तो बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके कम्प्लीट जानकारी देने वाला हूँ कैसे आप योनो एसबीआई से बिजली बिल का पेमेंट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पर योनो एसबीआई से बिजली बिल का पेमेंट करने के लिए सिंपली आपको अपना योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। जैसे आप यहां पर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने इसका इंटरफेस इस तरह से देखने मिलेगा। ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने मिलेगा लॉग इन यूजिंग एम पिन, यानी आपका जो भी एम पिन होगा यहां पर आपको अपना एम पिन डाल के लॉग इन कर लेना है। तो चलिए यहां पर मैं अपना एम पिन को डाल देता हूं। दोस्तों, यहां पर अपना एम पिन डालने के बाद यहां पर लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद दोस्तों यहां पर आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन में सक्सेसफुली यहां पर आप लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको करना है क्या है कि यहां पर आपको देखने मिलेगा योनो पे। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस योनो पे पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पर आपको नीचे में देखेंगे बिल पे। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस बिल पे पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने दोस्तों आपके सामने इस तरह इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके बाद आपको यहां पर नीचे साइड आपको देखने मिलेगा क्विक बिल पे। बस क्या करेंगे, क्विक बिल पे पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आप किस चीज का बिजली बिल पे करना है, यानी किस चीज का बिल पे करना चाहते हैं, ब्रॉडबैंड, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंश्योरेंस, लोन, तो यहां पर मैं आपको बिजली बिल पेमेंट करने वाला हूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने वाला हूं। सिंपली यहां पर क्या करेंगे, आप इस इलेक्ट्रिसिटी पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको नीचे में देखेंगे सेलेक्ट बिलर लोकेशन। बस क्या करेंगे, सेलेक्ट बिलर लोकेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना स्टेट चूज करना है, आप कौन से स्टेट से आते हैं, कौन सा स्टेट का बिजली बिल पेमेंट करना चाहते हैं। तो मैं यहां बिहार से आता हूं, तो सिंपली यहां पे आप अपने अनुसार आपको अपना स्टेट को चूज कर लेंगे। स्टेट चूज करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको नीचे देखने मिलेगा सेलेक्ट बिलर। बस क्या करेंगे, सेलेक्ट बिलर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आप जो बिहार से आते हैं, तो बिहार में आप नॉर्थ बिहार हैं क्या, आप साउथ बिहार हैं, तो देखेंगे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी LTD, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी LTD। तो यहां पर अपने अनुसार आपको चूज कर लेना। जैसे मेरा नॉर्थ बिहार है तो नॉर्थ बिहार में क्लिक कर लेता हूं। यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे में देखने मिलेगा नेक्स्ट का बटन। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने मिलेगा CA नंबर, यानी आपको यहां पर अपना कंज्यूमर अकाउंट नंबर, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर नंबर, आपको यहां पर अपना सही सही फिलअप करेंगे। दोस्तों, यह कंज्यूमर नंबर आपका पिछला बिल में, यानी आप पुराना बिल होगा उस बिल में आपका कंज्यूमर नंबर लिखा हुआ था, उस कंज्यूमर नंबर को आपको यहां पर फिलअप करेंगे। उसके बाद देखेंगे इंटर योर मोबाइल नंबर, यानी आप क्या करेंगे, यहां पर अपना एक मोबाइल नंबर आपको यहां पर सही सही फिलअप करेंगे। तो चलिए यहां पर मैं अपना कंज्यूमर नंबर और यहां पे मैं अपना मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेता हूं। दोस्तों, यहां पर अपना कंज्यूमर अकाउंट नंबर और यहां पर अपना मोबाइल नंबर को सही सही फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर नीचे साइड आपको देखने मिलेगा नेक्स्ट का बटन। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह इंटरफेस देखने मिलेगा। दोस्तों, यहां पर आपको सारा डिटेल्स आपको देखने मिल जाएगा, जिसके नेम से कनेक्शन होगा, जिसका नाम से कनेक्शन होगा, सारा कुछ देखने मिलेगा। देखेंगे बिलर नेम नॉर्थ बिहार, उसका देखेंगे कस्टमर नेम, यानी जिसके नाम से बिजली बिल होगा तो उसका नेम आपको यहां पर शो करेगा। उसके बाद देखेंगे बिल पीरियड आपको देखने मिलेगा। उसके बाद कंज्यूमर नंबर, बिल नंबर, आपको यहां पर बिल नंबर शो करेगा। उसके बाद बिल डेट आपको देखने मिलेगा, बिल ड्यू डेट, यानी आपका ड्यू जितना भी, जब से ड्यूज आपका वहां की, वो देखने मिलेगा। उसके देखेंगे बिल अमाउंट, यानी कितना रुपया आपका अमाउंट आया हुआ बिल, वो आपको यहां पर शो करेगा। उसके बाद देखेंगे नीचे में टोटल पेमेंट अमाउंट, यानी टोटल पेमेंट अमाउंट, यानी आपको कितना रुपए पेमेंट करना होगा, वो भी आपको यहां पर शो करेगा। देख सकते हैं यहां पे टोटल पेमेंट अमाउंट यहां पर इतना लिखा हुआ है। दोस्तों, यहां पर आपको चेक कर लेंगे कितना पेमेंट है, जितना पेमेंट होगा यहां पे उतना पेमेंट आपका योनो एसबीआई से कट जाएगा। तो यहां पर आपका पेमेंट शो करेगा। दोस्तों, यहां पर आपको सारा कुछ चेक कर लेंगे, कस्टमर नेम सबसे पहले चेक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर सारा कुछ चेक करने के बाद नीचे में देखेंगे एक नेक्स्ट का बटन है, इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपके नंबर पर OTP आएगा, जो नंबर बैंक अकाउंट से लिंक होगा उस नंबर पर OTP आएगा। देख सकते हैं मेरा OTP आ चुका है। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको यहां पर अपना 6 डिजिट का जो भी OTP आएगा, यहां पर अपना OTP को सही सही फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद दोस्तों यहां पर नीचे में आपको सबमिट का बटन है, इस सबमिट बटन पर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपका बिजली बिल सक्सेसफुली यहां पर पेमेंट हो जाएगा। जितना भी बकाया होगा आपका, जितना भी ड्यूज होगा बिजली बिल, यहां
पर सक्सेसफुली आपका पेमेंट हो जाएगा योनो एसबीआई से। दोस्तों अगर आपने अभी तक योनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, कैसे अकाउंट बनाया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप जान सकते हैं कैसे आप योनो एसबीआई में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे अकाउंट बनाएंगे। दोस्तों अगर आप अपना एम पिन भूल चुके हैं तो इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी पहले से वीडियो डाल चुका हूं, मेरे चैनल पर आप विजिट करेंगे तो वहां पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। मैं सारा वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, क्लिक करके आप सारा वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना कुछ क्वेरीज तो कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।